जी, तो बात करते हैं श्वेता तिवारी की, जो कि काफी ज्यादा अपनी सुर्खियों में रहती हैं अपनी खूबसूरती को लेकर। खूबसूरती, अपनी एज और इनफैक्ट अपनी बेटी पलक तिवारी को भी लेकर। ये और ये माँ बेटी की जोड़ी की बात कर ले तो ये माँ बेटी की जोड़ी अक्सर कमाल कर जाती है। जी, और और सोशल मीडिया पर भी दोनों डांस करते हैं, और मतलब श्वेता को देख के कोई कह नहीं सकता कि उनकी इतनी बड़ी बेटी है। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर श्वेता की बात करें तो इन्होंने भी ये भी अपने जो इनकी पर्सनल लाइफ रही है उसमें भी इन्होंने भी काफी संघर्ष किया है, जी बिल्कुल, काफी अगर इनके बॉस जद्दोजहद। की बात करें, इनके हस्बैंड की बात करें, तो इनकी भी लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। और ये अपने आप, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, अपने आप अपने में ही एक बिल्कुल ब्रांड भी है। और जैसा कि इन्होंने बिग बॉस में काम किया था और जीती, विनर भी रह चुकी हैं, खतरों के खिलाड़ी में दिखी, कई सारे टीवी शोज में दिखी, और टीवी में भी, सीरियल्स में भी, और शायद कुछ मूवीज में भी आ सकती हैं। खैर, अब भोजपुरी में तो ये आ चुकी हाँ, हैं। भोजपुरी में तो भोजपुरी बिल्कुल, इन्होंने बहुत सारी भोजपुरी मूवीज भी की है। और इनका जो सीरियल कसौटी जिंदगी की, जी वो भी बिल्कुल, है स्टार प्लस का काफी फेमस टीवी सीरियल रहा है, और जिसकी बदौलत तो उनको अच्छी पहचान मिली, घर घर में पहचान मिली। जी, और उसी सीरियल से रातों रात लाइमलाइट में आ गई कि श्वेता तिवारी, मतलब एक नाम सा। और बहुत पहले एक दूरदर्शन पे रंगोली आता था, उसमें ये हाँ एंकरिंग करती थी, जी होस्ट करती थी ये, और उसी समय से लोग इनको काफी ज्यादा, मतलब जिस तरह का इनका फिगर है, इनके बोलने का तरीका और लुक बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अब ये मूवी में भी आ रही है, तो और इतनी जाने माने डायरेक्टर के साथ मूवी में आ रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा उनको देखना। बिल्कुल। रोहित शेट्टी के साथ अब श्वेता तिवारी जो है नजर आने वाली है, और उनके साथ ये मूवी करने वाली है। अब देखते हैं कि ये क्या नया कुछ रोहित शेट्टी के साथ में देखने को मिलता है। जी हाँ, और ये मूवी सिंघम अगेंस्ट में वो नजर आएंगे, और इसको लेकर उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रोहित शेट्टी के साथ फोटो भी शेयर की है। और उन्होंने वो डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म सिंघम, जैसे मैंने बताया, सिंघम अगेन का हिस्सा बनने वाली है, और अपने फैंस को ये गुड न्यूज उन्होंने सुबह सुबह ही पोस्ट करके दिया है। और काफी ज्यादा फॉर्मल लुक में नजर आ रही थी वो फोटो में, जिस तरह से उन्होंने शर्ट और नॉर्मल सा पहना था, काफी ज्यादा। खैर, श्वेता कुछ भी पहने वो काफी सुंदर लगती है। बिल्कुल। और खैर अगर हम पलक की बात कर ले तो पलक भी खुद अभी किसी का भाई किसी की जान में नजर आई थी, सलमान खान के साथ नजर आई थी। अब इनकी बात करें, श्वेता तिवारी की बात करें तो रोहित शेट्टी की फिल्म में ये नजर आने वाली और सिंघम वो, में। और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि मतलब कहा जा रहा है कि उनके हाथ एक जैकपॉट लगा है, क्योंकि अजय देवगन और रणवीर सिंह दोनों इस मूवी में हैं। तो दो बड़े एक्टर्स के साथ श्वेता तिवारी का काम करना, मतलब एक छोटे टीवी एक्टर का इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करना, कहीं ना कहीं उनके कैरियर में और चार चांद लगाता है। बिल्कुल। और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन करने को मिलेगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और खैर अगर खुद अगर श्वेता तिवारी की बात कर ले तो उन्होंने भी काफी काम किया हुआ है। अगर उनके करियर की बात कर ले तो टीवी सीरियल वेब सीरीज और तमाम मूवीज में भी काम किया है, छोटे मोटे जितने भी रोल है, तो उनको भी एक्सपीरियंस काफी है। और उनका काम भी अच्छा है, उनका डांस भी अच्छा है। जी बिल्कुल, और इसकी शूटिंग शुरू हो गई है सिंघम अगेन की। रोहित शेट्टी ने शूटिंग शुरू कर दी, और शायद 16 सितंबर को अजय देवगन, रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह ने मुहूर्त पूजा के दौरान की फोटो फोटोज शेयर भी की थी शेयर की है बिल्कुल, अपने सेट पे से। बकायदा सबकी। अगर बात कर ले रणवीर सिंह की बात कर ले, वो प्रॉपर अपने सिंघम वाले लुक में नजर आए और तीनों मिलके पूजा अर्चना कर रहे थे, तो तस्वीरें काफी अच्छी लगी। काफी ज्यादा इस फोटो को देखकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इस या न्यूज को कुछ। भी कि मतलब सिंघम अगेन, जैसा कि हम लोगों ने सिंघम फर्स्ट देखा है, मतलब जो अजय देवगन का जो बात करने का स्टाइल, जो डायलॉग्स हैं, लोगों को पसंद बिल्कुल। है, और एक बार फिर से ये आ रही है, तो लोग एक्साइटेड तो हैं ही। और शायद ये अगले साल इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज होगी, और इसकी टक्कर सीधे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से होगी। बिल्कुल, तो तगड़े वाली तकड़ होगी। अब देखते हैं कि कितना कौन किस पे कितना भारी होता है, ये देखने वाली बात होगी।